सुधांशु जी, एक रिएक्शन इस बात पर, विपक्ष का कहना है कि आप तमाम बिल्स को स्टैंडिंग कमिटी तक में नहीं ले जाते हैं, यानी क्या विपक्ष पूरी तरह से आंख कान नाक बंद करके बैठ जाए, हां में हां मिलाते रहे, तभी वो फिर कहलाएगा निष्पक्ष? देखिए, हर महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की तरफ से विपक्ष के साथ पूरी बात की गई। याद करिए, चाइना के डोकलाम इशू के ऊपर बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। याद करिए, राफेल के मुद्दे पर भी बुलाकर बात की गई। जितनी भी कमेटीज हैं उनमें विपक्ष का अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हर जगह पे बात करने का प्रयास किया गया। हर संसद के सत्र से पहले स्पीकर भी बुला के बात करती थी और प्रधानमंत्री की तरफ से भी बात होती थी। इसलिए मेरा यह मानना है, यदि हम थोड़ी ईमानदारी से रखेंगे, जैसे एक और बात भी है भाई, संसद सत्र कितने दिन चलता है? अरे साल में कुल बमुश्किल 100 दिन भी नहीं चलता है। उन 70-80 दिनों के लिए भी यदि हम थोड़ी सी दलगत राजनीति से अलग हट जाएं, तो जिस काम के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है वो बहुत बेहतर ढंग से हो सकती है। अब मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, सतीश प्रकाश जी ने जो बात कही थी उसके ऊपर भी मैं एक वाक्य ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो 10% आरक्षण की बात है वो सामान्य वर्ग के लिए, उसमें मुस्लिम शामिल है। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को वो लोग उसमें शामिल नहीं है। और रही बात इसकी, तो मैं उनसे विनम्रता से पूछता हूँ, जब आरक्षण की बात आती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो दलितों का आरक्षण समाप्त करके मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है, क्या ये उसके साथ है? पॉइंट नंबर दो, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सरकार ने दलित समाज के वर्ग को केवल बाध्य कर रखा है कि सफाई कर्मचारी की ही तुमको नियुक्ति मिलेगी, भाजपा के वहां पर मजबूत होने के बाद ही वह प्रश्न उठाया गया, आज तक किसी ने 70 साल में नहीं उठाया, क्या उस प्रश्न से वो लोग वाबस्ता हैं? और तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, काशीराम जी, एक सवाल है मेरा, कर लू मुझे पूरा कर जी, मुझे अच्छा लगता। सुनिए तो सतीश जी, एक वाक्य और पूरा कर लूं फिर जवाब दीजिए। सतीश जी, एक वाक्य और पूरा कर लूं। देखिए सतीश जी, एक वाक्य पूरा कर लूं। काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। साहब, जिस दिन जनगणना सामने आ जाएगी ना, तो मायावती जी ने जैसे 70 के 70 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एससी में से नहीं उसी जाति के अपॉइंट कर रखे थे, वैसे नाम लेना उचित नहीं रखता। जिस दिन बाकी जातियां खड़े होकर पूछेंगी ना बहन जी, जिसमें खटिक धानुक पासी अन्य जातियां खड़े होकर, अरे भाई साहब जी, मेरी मेरी भागीदारी, अभी जो दलितों में अभिजात वर्ग है ना, एक वर्ग के नाम पर सारा का सारा नियंत्रण कर रहे हैं, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं।